हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट फेलियर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नलिटीज के बारे में तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, फिर हम समझेंगे कि एक्सटर्नलिटीज के कितने कितने टाइप्स हैं और फिर हम समझेंगे कि एक्सटर्नलिटीज की वजह से मार्केट फेल क्यों होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नलिटीज की, तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट जो उस व्यक्ति को सहना पड़ता है, उस पर्सन को सहना पड़ता है जो पूरे मार्केट एक्सचेंज में कहीं पे भी जुड़ा हुआ नहीं। यानी कि जब किसी एक्टिविटी का पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट उस पर्सन पे पड़ता है जो उस पूरे की पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। यानी कि सम टाइम इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स देयर आर हार्मफुल और बेनिफिशियल साइड इफेक्ट दैट आर बॉर्न बाय पीपल who are not directly involved in the market exchange। यानी कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते समय या कंज्यूम करते समय उसके हार्मफुल और बेनिफिशियल साइड इफेक्ट होते हैं जो ऐसे व्यक्ति को बियर करने पड़ते हैं जिसने मार्केट एक्टिविटी में, मार्केट एक्सचेंज सिस्टम में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नलिटीज क्या होती है उसको मैं एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, एक्सटर्नलिटीज दो तरीके की होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो पहले मैं आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के दो एग्जांपल देता हूं, फिर आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के दो एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप अपने घर के बाहर गार्बेज रखते हो या आप अपने घर में बहुत तेज आवाज में गाने सुनते हो या आप अपने घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए घर के बाहर जनरेटर रखते हो, तो इन सभी का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उस व्यक्ति पे पड़ेगा, आपके पड़ोसियों पे पड़ेगा जिसने उस पूरी की पूरी मार्केट एक्सचेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। यानी कि आप अगर अपने घर के बाहर गार्बेज रखते हो तो उसकी स्मेल आपके पड़ोसी के घर जाएगी, अगर आप तेज आवाज में जनरेटर गाने सुनते हो तो उसकी जो नॉइस पॉल्यूशन फैलेगा उस पड़ोसी को परेशान करेगा, जनरेटर की वजह से जो एयर पॉल्यूशन होगा वो आपके पड़ोसी को परेशान करेगा, जबकि इसका कोई भी फायदा आपके पड़ोसी को नहीं मिल रहा। तो इस केस में यह कहलाएगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज या एक्सटर्नल कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी कार चलाते हैं तो कार की वजह से जो पॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करें तो मान लीजिए कि आप अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ की पॉजिटिव एनर्जी आपके पड़ोसी के घर भी जाएगी जिसने कि उस पेड़ को लगाने में कोई रोल प्ले नहीं किया, या आप अपने घर के बाहर लाइट लगाते हैं ताकि रोशनी रात में सड़क के बाहर बनी रहे, तो इसका फायदा भी आपके पड़ोसी को मिलेगा जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये कहलाएंगी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से, दोनों ही वजह से मार्केट फेल हो जाता है और गवर्नमेंट का इंटरफेयर के चांसेस बने रहते हैं या गवर्नमेंट को इंटरफेयर इस मार्केट सिस्टम में करना ही पड़ता है। धीरे धीरे हम एग्जांपल के थ्रू इन सभी को समझेंगे, हम इस पूरे कंसेप्ट को समझें। आपको कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट तभी आगे बढ़ेगा, वो है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होती है और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी है जो लोहे के गेट बनाती है और उस गेट को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट क्या है, वो लोहे के दरवाजे को में जो रॉ मटेरियल लगा है उसको कॉस्ट मानती है, इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्ट मानेगी, वो जो रॉ मटेरियल जो लेबर लगा है उसको कॉस्ट मानेगी। मान लीजिए इन सबकी कॉस्ट है 1000 रुपीज, यानी कि ये प्राइवेट कॉस्ट है उसकी जो उसे बियर करनी पड़ी किसी गुड्स को बनाने पे। अब हम अगर एक्सटर्नल कॉस्ट की बात करें
तो मान लीजिए उसके जो घर उस कंपनी के आसपास जो रहने वाले रेजिडेंस में जो रहने वाले लोग हैं, उनको उस कंपनी की आवाज की वजह से सर दर्द होने लगा, चिड़चिड़ाहट होने लगी, यानी कि जो पर्यावरण को उसने डैमेज किया उसकी भी तो अपनी एक कॉस्ट है, जबकि वो तो उसको कॉस्ट मानता नहीं है। तो मान लीजिए उसकी कॉस्ट 500 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोशल कॉस्ट हुई वो हुई प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को जोड़कर, यानी कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमारी हुई 1500। यानी कि सोशल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को जोड़ के बनती है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आमतौर पर किसी गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, किसी गुड्स का प्रोडक्शन कौन करता है, वो करती है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस। मान लीजिए कि आप एक जूस पीते हैं, तो जूस पीने के लिए जो प्राइस डिसाइड होगा वो कैसे डिसाइड होगा, डिमांड एंड सप्लाई का डिसाइड कर देंगे, यानी कि जो डिमांड है वो है मार्जिनल बेनिफिट और जो सप्लाई है वो है मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं देखता हूं कि जूस पीने से अगर मुझे जो बेनिफिट हो रहा है वो 30 रुपीज का हो रहा है और 30 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, तो मैं फ्रूट्स को परचेज कर लू। लेकिन जिस केस में नेगेटिव एक्सटर्निटीज होती है या पॉजिटिव एक्सटर्निटीज होती है, इस तरीके से मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं करता, बल्कि उसका मार्केट मैकेनिज्म अलग तरीके से काम करता है, वो हम समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कॉस्ट और इनएफिशियंसी की, यानी कि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एक्सटर्निटीज की। अब नेगेटिव एक्सटर्निटीज कंजम्पशन में भी हो सकती है और प्रोडक्शन में भी हो सकती है। कंजम्पशन में कैसे हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पार्क में गए और पार्क में आप जाने के बाद आपने चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पी और सारा का कचरा वहीं फैला दिया, तो ये कहलाएगा नेगेटिव एक्सटर्निटीज इन कंजम्पशन। प्रोडक्शन में कैसे होगा, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि गेट बनाने वाला क्या करता है, लोहे का गेट बनाता है और पॉल्यूशन फैलाता है पूरे के पूरे पर्यावरण में। उसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो अपना जो वेस्ट है वो नदी में डालती है, और जब वो नदी में डालती है तो नदी में डालने के बाद जो मछलियां मर रही हैं, जो मछलियों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, उनको तो वो अपनी कॉस्ट मानती ही नहीं है, जबकि सोसाइटी के लिए तो वो भी कॉस्ट है। तो ये जो है ये एक्सटर्नल कॉस्टिंग प्रोडक्शन है। अब हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम है, लेकिन अगर हम ठीक तरीके से समझें तो हम ये मान लेते हैं कि जो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो पर यूनिट कॉन्स्टेंट बियर करनी पड़ रही है, इस तरीके से मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। मान लीजिए 50 रुपीज हम मान लेते हैं कि हर यूनिट बनाने पर, जितनी जितनी आप यूनिट बनाते हो आपको 50 रुपए का लॉस हो रहा है सोसाइटी को, और जो प्राइवेट कॉस्ट है मान लीजिए ये हमारी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, यानी कि ये फर्म को सप्लाई कर रहा है फर्म का। अब इन दोनों को जोड़ दें तो ये जो कर्व है ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, किससे जोड़ के बनाइए, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को जोड़ के बनाना। अब जब कोई भी फर्म किसी गुड्स को प्रोडक्शन करती है या नहीं करती है वो डिपेंड किस पे करता है, उसके डिमांड कर्व पे। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये इसका डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व डाल दिया हमने। अब इक्विलिब्रियम जो हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है, मान लीजिए E0, क्योंकि इस केस में आप देखेंगे तो मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि ये जो मार्जिनल बेनिफिट है किसी गुड्स को बनाने से जो बेनिफिट होता है वो इक्वल है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के इक्वल हो गया। तो इस केस में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, Q0, और इसके लिए जो फर्म प्राइस चार्ज कर रही है वो चार्ज कर रही है P0। मान लीजिए वो चार्ज कर रही है 200 रुपीज और गुड्स बन रही है 100 यूनिट। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये मार्केट मैकेनिज्म में प्राइस डिसाइड किया 200 रुपीज या P0, तो क्या ये एफिशिएंट लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है। तो देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमम तो यहां हो रहा है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस इसे प्राइस को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्राइस डिसाइड हो गया, ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो प्राइस है
ये एफिशिएंसी काम कर रहा है तो नहीं काम कर रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर इस तरीके से मार्केट में फ्री छोड़ दिया जाएगा तो कोई भी पानी नदी में बहाएगा, कोई भी गंदा पानी नदी में बहाने लग जाएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो रात को शोर मचाना शुरू कर देगा, लोहे के दरवाजे अनलिमिटेड मात्रा में बनेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर छोड़ दिया जाएगा। तो जिस केस में नेगेटिव एक्सटर्निटीज होती है उस चीज को आप डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अदरवाइज इनसे क्या होगा कि नेगेटिव एक्सटर्निटीज इतनी ज्यादा हो जाएंगी, किसी का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो सोशल वेलफेयर को नीचे ले आएगा। तो एक्सटर्निटीज कब मिलेगी, एफिशिएंट आउटपुट कब मिलता, जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर होता। इसका मतलब आप चाहते हो कि अगर एफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन हो तो ये जो पॉइंट है इस वाले पर आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ये पॉइंट। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा दे, ये टैक्स अमाउंट है इतने जितना ये एक्सटर्नल कॉस्ट हुई है, यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर टैक्स लगा दे, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ जाएगा और इस केस में क्वांटिटी प्रोडक्शन होगी कम और प्राइस चार्ज होगा ज्यादा, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्निटीज की केस में ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा टैक्स लगाने के बाद और कम क्वांटिटी बनेगी। यानी कि मार्केट इसलिए फेल हो रहा था क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी बना रहा था एफिशिएंट लेवल से और कम प्राइस चार्ज कर रहा था। इस केस में मार्केट अब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्सटर्निटीज के केस में मार्केट फेल क्यों हुआ है ये समझाया गया। जिस तरीके से एक्सटर्नल कॉस्ट के केस में मार्केट इनएफिशिएंटली काम करता है, उसी तरीके से एक्सटर्नल बेनिफिट के केस में भी मार्केट इनएफिशिएंटली काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है। एक्सटर्नल बेनिफिट का मतलब है किसी ऐसे पर्सन को भी उसका एक्टिविटी का फायदा मिलना जिसने उस एक्टिविटी का में कोई भी पेमेंट नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी कार की सर्विसेज का सर्विस टाइम से कराता हूं, ठीक तरीके से पेट्रोल लेड फ्री पेट्रोल यूज करता हूँ, या मैं ऐसी वैक्सीनेशन लगाता हूँ जिससे कि निमोनिया या कोई और बीमारी किसी और को ना फैले, तो उसका पेमेंट किसी और ने नहीं किया लेकिन उसका फायदा उसको भी मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल बेनिफिट इन कंजम्पशन। इसी तरीके से मान लीजिए कोई फर्म अपने जो वेस्ट होता है पानी में गिराने से पहले वो उसको प्योरीफाई करके उसे गिराती है, या वो उस टेक्निक का यूज करती है जिससे कि कम पॉल्यूशन फैलता है। तो जो उसके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसको लिए कोई पेमेंट नहीं किया लेकिन इसका फायदा उनको भी मिलेगा। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हम समझेंगे कि एक्सटर्नल बेनिफिट के केस में मार्केट इनएफिशियंटली काम करता कैसे है। उससे पहले आप समझ लीजिए मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई वैक्सीनेशन कराता हूँ तो उस या आप कोई वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा, तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। आपके साथ रहने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा लेकिन उन्होंने तो कोई पेमेंट नहीं किया, तो उसको कहते हैं मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट और ये कहलाता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो जिस केस में मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है उस केस में मार्केट एफिशिएंटली काम नहीं करता। देखिए समझते कैसे नहीं करता। मान लीजिए कि आप जाते हैं एक पिज्जा की दुकान पर, पिज्जा खाने के लिए नॉर्मली आप जाते भी होंगे, तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है एक बार हम देख लेते हैं। किसी भी गुड्स का जिसका हम बात नॉर्मली कर रहे हैं, अब आपके पिज्जा खाने से मुझे तो बेनिफिट होगा नहीं, तो इस केस में डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर काम करेंगे इस तरीके से। ये हमारा मान लीजिए डिमांड है, यानी कि ये कहलाएगा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है किसी गुड्स को यूज करने से, और ये उसकी कॉस्ट है सप्लाई का जिसे कहते हैं, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। और प्राइस इस तरीके से डिसाइड हो गया और मार्केट एफिशिएंटली काम कर रहा है। लेकिन इस केस में मार्केट एफिशिएंटली काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर है, क्योंकि मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट बिल्कुल भी जीरो है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है किसी और को। लेकिन जिस केस में मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, उस केस में मार्केट मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस काम नहीं करते। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये वैक्सीनेशन लगाने का बेनिफिट है जो मुझे मिलेगा, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट।
ये मुझे मिलेगा किसी भी वैक्सीनेशन लगाने से, कि अगर मैं वैक्सीनेशन लगाता हूँ तो इसका फायदा केवल मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे साथ साथ सोसाइटी को भी मिलेगा, यानी कि उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया, लेकिन फायदा तो उनको भी होगा। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि ये जो पैरलर है ये हमारा है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और ये जो बीच का डिफरेंस होगा, ये जो भी गैप होगा वो हम मान लेते हैं मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। तो इस केस में सप्लाई कर्व कैसे बनाएंगे? सप्लाई कर्व इस तरीके का होगा जैसे नॉर्मल शेप में होता है, सप्लाई कर्व मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट की जगह हम आप इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं और सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं। अब जो मार्केट होगी उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला E0, यानी कि कोई भी ओपन मार्केट जो है या फ्री मार्केट जो है, डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो कितनी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, Q0, और प्राइस कितना चार्ज करेंगे, P0। लेकिन इस केस में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में एफिशिएंटली काम इसलिए नहीं किया, क्योंकि एफिशिएंटली काम तब होता जब इस पॉइंट पर होता, यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता। तो ये है एफिशिएंसी का लेवल, ये वाला एफिशिएंसी लेवल, ये एफिशिएंसी लेवल है। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो Q0 प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि लेस आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एफिशिएंसी लेवल से, लेस आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, और हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो भी लेस प्राइस चार्ज कर रहे हैं, यानी कि जितना हमारे को एफिशिएंसी लेवल से प्राइस चार्ज करना चाहिए था उससे हम लेस प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए सब्सिडी प्रोवाइड करा दे इतने हिस्से में, यानी कि यहां पर अगर इसका जो सप्लाई कर यहां पर इतनी सब्सिडी प्रोवाइड करा दे, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई में इंक्रीज होगा, और सप्लाई इंक्रीज होने से जैसे मान लीजिए सब्सिडी इतनी प्रोवाइड करा दे किस लेवल तक, तो मार्केट एफिशिएंसी लेवल को पाया जा सकता है, क्योंकि इतना जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देगी। मान लीजिए इस लेवल तक सब्सिडी प्रोवाइड करा दे, यानी कि गवर्नमेंट का रोल यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड कराने का रह जाता है ताकि मार्केट एफिशिएंटली काम कर ले, यानी कि मार्केट मैकेनिज्म फेल हो गया क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस काम नहीं कर पाए और गवर्नमेंट को अपना इंटरफेयर करना पड़ेगा। अब इसको हम एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वैक्सीनेशन गवर्नमेंट लगाती है, जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले ही रुबेला इंजेक्शन गवर्नमेंट ने लगाया है, तो मान लीजिए रुबेला का इंजेक्शन 150 रुपए का आता है, 150 रुपीज का आता है, सिंपल तरीके से समझते हैं, मान लीजिए 150 रुपीज का आता है, और डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू अगर उसका जो 1000 लोग ही ऐसे हैं जो उसको लगा सकते हैं इंजेक्शन, और उसका प्राइस है 150, मान लीजिए इस तरीके से मान लीजिए, लेकिन टोटल लोग हैं पूरी इकोनॉमी में 2000, तो उन 1000 लोगों का क्या जिनको इंजेक्शन नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि वो 150 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराएगी, सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, यानी कि गवर्नमेंट 75 रुपीज की सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी ताकि मार्केट में 2000 लोग उस इंजेक्शन को लगा सके और एफिशिएंसी लेवल पे काम हो सके, और उसका जो प्राइस है वो हो जाए 75 रुपीज। इसका मतलब 75 रुपीज की सब्सिडी गवर्नमेंट ने, जैसे एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि लोग वो लोग जो एलपीजी सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं महंगे पर वो ले सके। तो इन केसेस में जहां पर सोशल बेनिफिट ज्यादा होता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से, उस केस में मार्केट मैकेनिज्म यानी कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस ठीक से काम नहीं करते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।